चर्चा करेंगे कि श्रद्धा का कितना महत्व हमारे जीवन में। देखिए, अगर श्रद्धा नहीं है तो आप कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए श्रद्धा एक मूलभूत आवश्यकता है व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि अगर श्रद्धा नहीं है तो कोई भी काम आप शुरू करने जाते हैं तो शुरू नहीं होता है ना। तो इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है फेथ। आप देखो, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर पर श्रद्धा होती है। आप उसका सर्टिफिकेट नहीं चेक करते हो कि उसने डॉक्टर की डिग्री ली है कि नहीं ली है। किसी ड्राइवर के पास, किसी टैक्सी में बैठते हो, कैब में बैठते हो, ट्रेन में बैठते हो, प्लेन में बैठते हो, उसका लाइसेंस चेक नहीं करते हो। क्यों? इसका कारण है क्योंकि आपको उस पर श्रद्धा है। तो पहले श्रद्धा को किसी व्यक्ति पर लगाया जाता है, उसके बाद ही हम कुछ कार्य कर पाते हैं, है ना। तो ऐसा छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, यदा विश्रद्धाति यथा मनुते न श्रद्धाधा न मनुते, श्रद्धाधाते व मनुते श्रद्धाते विजिज्ञासा इति एवति भगवत जिज्ञासा इति। तो ये छांदोग्य उपनिषद 7वें स्कंद 19वें अध्याय के पहले श्लोक में कहा गया है। सनत कुमार कहते हैं, नारद मुनि से कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस वस्तु पर श्रद्धा रखता है, उस वस्तु पर श्रद्धा बढ़ने पर उसको उस वस्तु का प्रति कार्य करने की इच्छा होती है। तो यही बात बताई जा रही है, अगर भगवान पर पहले श्रद्धा रखेंगे और उस पर कार्य करेंगे तो धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ती है, अन्यथा कैसे होगा। जैसे कि आपको कोई बताता है कि एड्रेस, आप किसी स्थान का, व्यक्ति का एड्रेस पूछते हैं, तो किसी व्यक्ति पर श्रद्धा करके एड्रेस पूछते हैं, राइट। जब श्रद्धा प्रबल हो जाती है, हाँ ये व्यक्ति मुझे सही बताएगा, फिर मार्ग ढूंढते ढूंढते जाते हैं, और जब ढूंढते ढूंढते जाते हैं तो आपको बताया हुआ मार्ग सही लगने लगता है, तो आपको ऐसा लगने लगता है कि उसने सही बताया था मुझे, उस व्यक्ति पर श्रद्धा और प्रबल हो जाती है। तो वस्तु पे, व्यक्ति पे श्रद्धा, पहली श्रद्धा तो करनी पड़ती है, और उसके मार्ग पर चलने पर जब आपको प्रगति होने लगती है और फायदे होने लगते हैं तो श्रद्धा बढ़ जाती है। ये श्रद्धा बहुत मूलभूत चीज है। इसी प्रकार भगवान की भक्ति के लिए भी श्रद्धा जरूरी है। जैसे कि एक स्त्री थी, उसको बहुत श्रद्धा थी अपने भगवान पर। तो उन्होंने क्या किया, वो बहुत गरीब थी, धन नहीं था, तो उसने ट्राई किया कि क्या किया जाए, ऐसे किया जाए कि प्रयास किया जाए कि कैसे भगवान पर संदेश पहुंचाए। तो एक न्यूज़पेपर में उन्होंने एक प्रिंट करवाया कि भय भगवान, आप जहां कहीं भी हो, मुझे खाने पीने के लिए राशन पहुंचाइए। तो भगवान ने व्यवस्था करवा दी। कैसे व्यवस्था कराई सुनिए, न्यूज़पेपर में छप गया, सब जगह सबके पास आ गया। एक बड़ा ही घमंडी अहंकारी सेठ जी थे, उन्होंने इसको पढ़ा, उन्होंने बोला ये भगवान, मैं नास्तिक व्यक्ति, मैं नहीं मानता भगवान को, लेकिन एक चीज करता हूं, इसके लिए क्या करता हूं, उस स्त्री को मैं मूर्ख बनाता हूं, अपने नौकर से कहता है आओ तुम कम से कम एक साल का राशन लेकर जाओ और उस औरत को देना। औरत जब पूछेगी किसने दिया तो बोलना शैतान ने दिया, तब उसका विश्वास भी टूट जाएगा भगवान से। तो व्यक्ति इसका नौकर लेकर जाता बहुत सारा राशन, और बोलता लीजिए माता जी मैंने राशन लिया, पूरे एक महीने का राशन लिया आपके लिए। तो माता जी बड़ी खुश होती है, महीने भर का, साल भर का राशन जो था वो अंदर रख देती है। अंदर रखने के बाद वो दरवाजा बंद करती, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बोलती नहीं, आपने पूछा नहीं कि किसने भिजवाया। तो उन्होंने कहा कि भगवान जब कृपा करते हैं तो शैतान का भी दिमाग खराब हो जाता है और वो सहायता करने आ जाता है। देखिए, यहां पर भगवान के प्रति श्रद्धा होने की वजह से भगवान ने उस सेठ जी की बुद्धि को फेर दिया और उसी के माध्यम से उसको राशन पहुंचा दिया। तो इस प्रकार भगवान सहायता करते हैं, पर श्रद्धा की बात है, और श्रद्धा नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। भौतिक संसार हो चाहे आध्यात्मिक संसार हो, श्रद्धा मूलभूत आवश्यकता है हमारे जीवन। हरे कृष्ण।